जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। जय जय अहिंसा परमो धर्म की जय। जय जय परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय। जय जय परम पूज महामना मुंडार प्रमाण सागर जी महाराज की, सिद्ध क्षेत्र कूट जी की। भगवान के मंदिर में एक सेठ गया, भगवान के चरणों में पूजा सामग्री अर्पित करते हुए शिकायत भरे स्वरों में कहा, हे प्रभु आखिर तू मुझ पर कृपा क्यों नहीं करता। मैं रोज तेरे चरणों में आता हूँ, तेरी पूजा करता हूँ, भक्ति करता हूँ, तेरे लिए सब कुछ वारता हूँ, पर तेरी दृष्टि ही मुझ पर नहीं पड़ी। मैंने कितनी बार कहा मेरे बच्चे की शादी करा दे, अभी तक शादी नहीं हुई। आखिर तू मेरी कब सुनेगा। मैं जो बोलता हूं तू पूरा क्यों नहीं करता। वो अपनी शिकायत फरियाद करके निकला और उसके बाद एक अंधा भिखारी भगवान के चरणों में आया और अपनी ओर से कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा, प्रभु बड़ा आभारी हूं तेरा, कितनी कृपा की तूने मुझ पर कि मुझे दो सबल पैर दिए जिसके बदौलत मैं तेरे दरबार पे आ जाता हूँ। मेरे पास आंखें नहीं है तो क्या हुआ, तेरी दृष्टि पड़ती है मैं कृतार्थ हो जाता हूँ। किन शब्दों में आभार व्यक्त करूँ तेरा, प्रभु कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी आंखें नहीं हैं तो तुझे नहीं देख पाता तो क्या हुआ, दुनिया में और किसी को नहीं देख पाता। काश ये आंखें होती तो तुझे तेरे सिवा और किसी में रम जाती। मैं बड़ा आभारी हूँ तेरा, बड़ी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ तेरे चरणों में। बंधुओं, ये दो दृष्टियाँ हैं और दो तरह का जीवन है। अपने आप को टटोल करके देखो कि मैं कहाँ हूँ। तुम्हारे जीवन में फरियाद है या धन्यवाद, शिकायतें हैं या अहोभाव, जीवन जी रहे हो। अपने जीवन के प्रति एक बार दृष्टि दौड़ा कर देखो, अपने अंतर मन को टटोल करके देखो, तुम कैसे जी रहे हो। शिकायतों के साथ जी रहे हो या तुम्हारे मन में अहोभाव है, तुम फरियादी बने हो या धन्यवाद भी है। क्या है, थोड़ी देर आंख बंद करके अपने भीतर झांको तो शायद क्या निकलेगा, क्या निकलेगा। लेकिन जहां हम फरियादी बनते वहीं धन्यवाद भी निकल सकता है, जहां हमारे मन में शिकायत है वहीं अहोभाव भी प्रकट हो सकता है। आवश्यकता केवल अपने दृष्टि को मोड़ने भर की है और यही जीवन का मजा है। हमारा जीवन है, हमारे लिए मिला है, जीना है और जीने का सबका अपना अपना अंदाज है। यदि मैं सही अंदाज में जीता हूँ तो जीने का एक अलग आनंद है, और मेरे जीने का अंदाज थोड़ा गलत होगा तो उसका परिणाम भी गलत होगा। जीवन हमें मिला है, हम जी रहे हैं, तय हमें करना है कि आखिर जीना कैसे है। गुनगुनाते हुए जीना है या भुनभुनाते हुए जीना है, कैसे जीना है हा? मन से पूछो गुनगुनाते ज्यादा हो कि भुनभुनाते ज्यादा हो, बोलो अभी क्या है, भुनभुनाते हो या गुनगुनाते हो हा? थोड़ा जोर से तो बोलो, भुनभुनाते हो।
गुनगुनाते हो, फिर तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, फिर प्रवचन की जरूरत नहीं, ये आशीर्वाद देता हूँ ऐसे ही गुनगुनाते रहो, फिर प्रवचन करने की क्या जरूरत, जब बीमारी ही नहीं तो दवाई क्यों, तो रोक दूं अपना प्रवचन, क्या हो गया, तब असल में बोलो कैसे जी रहे हो, अब आए ना वास्तविकता में, बहुत होशियार हो तुम लोग, भुनभुनाते हुए जीते हो, गुनगुनाते हुए जीना चाहते हो, यही है ना वास्तविकता, है ना, तो सारी जिंदगी गुनगुनाते हुए जी सको, उसके लिए आज चार बातें आपसे कहूँगा। जब भी कभी मनुष्य अपने जीवन के दुखों, परेशानियों, संकटों के विषय में सोचता है तो वो कहता क्या करूं, मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, मेरी परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं, मेरी नसीब खराब है, मेरी किस्मत मुझे साथ नहीं दे रही है, कुछ इसी तरह की बातें करते हैं ना, और लोग उसके पीछे अपने दुखों का रोना रोता है, रोते हैं, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जिनकी हालात बद से बदतर है, लेकिन हर पल प्रसन्न और प्रमुदित रहते हैं, और मेरे दृष्टि में ऐसे लोग भी हैं जिनकी हालात बड़ी अच्छी है पर हाल खराब है, हालात अच्छी है हाल खराब है, और बहुत से ऐसे हैं जिनकी हालात खराब है हाल अच्छी है। महाराज वही कोई नुक्शा बता दो कि खराब हालात में भी अच्छी हाल बना सके, है ना, यही तो चाहिए। ध्यान रखना, हालात मेरे हाथों में नहीं है, हाल मेरे हाथों में है। अगर मेरी मानसिकता अच्छी है तो गलत हालात में भी हम अच्छे हाल रख सकते हैं, और मानसिकता खराब है तो अच्छे हालातों में भी हमारी हाल बिगड़ सकती है और बिगड़ती है। बंधुओं एक बात ध्यान रखने की है, नसीब हमें सुखी दुखी नहीं बनाता, परिस्थितियां हमें सुखी दुखी नहीं बनाती, हालात हमें अच्छे अच्छा बुरा नहीं बनाते, हमें सुखी दुखी करता है, हमें अच्छा बुरा बनाता है हमारा मन। अगर मन अनुकूल है तो सब अनुकूल, और मन प्रतिकूल है तो सब प्रतिकूल। मन अच्छा हो तो अखबार बिछा करके भी सड़क किनारे सोया जा सकता है, और मूड खराब हो तो एयर कंडीशन में भी क्या हो गया, क्या हो गया है ना। सदाबहार अपने जीवन को सुखी रखना चाहते हो तो चार बातें आप सबसे कह रहा हूं, जो गुनगुनाते हुए जीने का एक मंत्र है। पहली बात, सकारात्मक सोचिए। क्या कीजिए, हर बात को पॉजिटिवली लीजिए। ठीक उस भिखारी की भांति जो अपनी आंखों को खोने की पीड़ा का अनुभव करने की जगह पैरों के होने का आनंद अनुभव में ले रहा है। तुम क्या करते हो, पैरों का आनंद लेते हो या आंखों का रोना रोते हो? बात समझने की है। जीवन में मुझे हर स्थिति में सकारात्मकता बनाए रखनी है। अगर मेरे मन में पॉजिटिविटी होगी तो मुझे कोई रुला नहीं सकता, और अगर मैं नेगेटिविटी से भरा रहूंगा, नकारात्मकता होगी तो मैं कभी हंस नहीं सकता। अपनी खुशी को बरकरार रखना है तो एक सूत्र है, बी पॉजिटिव, सकारात्मक बने, हर स्थिति में सकारात्मक बने।
जो है जैसा है ठीक है। अगर हम सकारात्मक सोचने लगेंगे तो बुराई में अच्छाई दिखेगी, दुख में सुख नजर आएगा, प्रतिकूलता में अनुकूलता दिखेगी और विपत्ति में भी संपत्ति दिखेगी। आप देख सकते हैं यदि आपके अंदर ऐसा अंदाज हो, चाहे जैसी विपत्ति हो। जरत कुमार जी यहाँ बैठे हैं, इनके अब्सेंट में तो इनका उल्लेख बहुत किया मैंने, आज उपस्थिति में करता हूँ। देखिए सकारात्मक सोच का क्या परिणाम होता है। थोड़ा खड़े हो जाओ जी केन साहब। इनका एक बेटा है, बेटा भी आया हुआ है, देखो चेयर पे बैठा है, उसको भी फोकस करो। बेटिया है ना। हाँ, आज से 25 वर्ष पहले जब ये भोपाल में डिस्ट्रिक्ट जज थे तब इनकी बिटिया साथ में थी, वो विकलांग है और पूरी तरह इन्हीं पर डिपेंड है। मेरे सामने इनके किसी मित्र ने कहा, महाराज इनकी बेटी की ऐसी स्थिति है, बड़े दुखी हैं। इनने जो जवाब दिया वो विशेष रूप से देखने लायक है और मैंने इसीलिए इनको खड़ा किया है। कई बार इनके अनुपस्थिति में मैंने इनका उल्लेख किया है, आज उपस्थिति में उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि आप भी इनसे प्रेरणा लें। ये इंदौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से अभी सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन ये एक अलग अंदाज में जीने वाले शख्स है। इन्होंने जब इनके मित्र ने कहा, महाराज ये बड़े दुखी हैं, इनकी बेटी की स्थिति ऐसी है, तो इनने कहा, मैं दुखी नहीं हूँ महाराज, मैं तो ये मानता हूँ कि मेरी बेटी विकलांग है तो क्या हुआ, कम से कम चिल्लाती तो नहीं है, काटती तो नहीं है। औरों की एक भाई वहीं भोपाल में ही था, इनने उसका उदाहरण दिया, वो कितना चिल्लाती है और वो कितना काटती है, मैं कितना सुखी हूँ। ये एक दृष्टिकोण। और साथ में एक बात जोड़ा, मेरे कर्म का उदय है, जो सेवा में लिखा कर लाया हूँ वो मुझे करनी है। आज वो ताकत है जो इन्हें निभा रही है। बस यही चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। बैठ जाए। ये धर्म का प्रैक्टिकल रूप है। लोग आरजू मिन्नतें करते हैं, मनोतियां मनाते हैं, इधर उधर सिर पटकते हैं और सारी जिंदगी रोते रोते बिताने गुजारने को बाध्य हो जाते हैं। अगर तुम्हारे अंदर सकारात्मकता आएगी तो सारे संसार को सहने की ताकत अपने आप आ जाएगी, दुखों को सहने की ताकत आ जाएगी, क्योंकि सकारात्मकता हमारे भीतर के स्वीकार भाव को बढ़ाता है। जब हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हम हर चीज को एक्सेप्ट करने में समर्थ हो जाएंगे, और जहां स्वीकार्यता आई दुख गया। दुख तभी आता है जब हम उसे अस्वीकार करते हैं। आप देखिए आपके जीवन में जब कभी कोई इस तरह की विसंगतियां आती है, आपका मन उसे स्वीकार नहीं करता और आप उल्टा देखना शुरू कर देते हैं, दुखी रहते हैं। अगर उसी को सीधा देखना शुरू कर दो तो सुखी। इतना ही तो खेल है महाराज। थोड़ी बात में मूड ऑफ हो जाता है तो कोई भी चीज ऑफ होती है तो उसको ऑन कर दो, और ऑफ और ऑन करने के लिए क्या करना पड़ता है बोलो? ऑफ को ऑन और ऑन को ऑफ करने के लिए क्या करते आप? हाँ, स्विच का मोड चेंज करते हैं। क्या हो गया? मोड बदलते ही जो ऑफ है वो ऑन हो जाता है और ऑन है वो ऑफ हो जाता है। तो मैं आपसे यही कहता हूं, जब भी मूड ऑफ हो उसका मोड बदलो, सकारात्मक सोचो, मूड ऑन हो जाएगा और जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। हर स्थिति में पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए, चाहे विपत्ति हो, चाहे बीमारी हो, चाहे वियोग हो या कोई विषमता हो, कैसी भी विपत्ति आए पॉजिटिव सोचो। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है,
उनके यहाँ इनकम टैक्स की रेट पड़ी। जिस समय रेट पड़ी उस समय वो घर पे नहीं थे, बाहर थे, उनके बच्चे थे, उन्हें सूचना मिली, वो अगली फ्लाइट लेकर वहाँ पहुँच गए। जितने लोग आए उनसे कहा आपको जो देखना है देखिए, मेरा हिसाब किताब सब सही है, फिर भी आपको जो करना है करिए। 3 दिन तक 40 लोगों की टीम उनके घर पे रही, वो रंच मात्र विचलित नहीं हुए। उस स्टेट के सबसे बड़े टैक्स पेयर भी थे वो। 4th दिन उनका भतीजा मेरे पास आया, 3रे दिन भतीजा मेरे पास आया। मैंने पूछा कि क्या बात है भाई, अखबारों में चीज़ें छप रही थी, तुम्हारे चाचा की क्या स्थिति है? चाचा ने जो बात, उसने फ़ोन लगाया मेरे सामने, और चाचा ने जो बात कही वो ध्यान देने लायक है। उन्होंने कहा महाराज से कहो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ, जाना है सो जाएगा, मेरा है क्या जो जाएगा, और सब चला जाएगा तो फिर मैं जीरो से अपनी गिनती शुरू कर लूंगा, उसमें क्या फर्क पड़ना है, जो जाएगा सो जाएगा। और आपको मालूम है आईटी डिपार्टमेंट वाले घर में चले जाए तो सब ठीक होने के बाद भी कुछ ना कुछ डिक्लेरेशन तो कराना ही पड़ता है, वो तो उसके बाद भी। आज तक आईटी डिपार्टमेंट किसी के यहाँ रेड करने के लिए गया तो ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे के नहीं आया, ये विडंबना है, सारे सर्टिफिकेट दे के नहीं आया, दबाव देकर कुछ ना कुछ डिक्लेयर कराना पड़ा। उस आदमी को डिक्लेयर करना पड़ा कि आपको मजबूरी थी, लेकिन जो बात आईटी वाले घर में बैठे, अरे महाराज से कहो आशीर्वाद दे दो सब ठीक हो जाए, जल्दी चल जाए, निपट जाए, नहीं, जाना है सो जाएगा, मेरा है क्या जो जाएगा, मैं फिर से जीरो से अपनी गिनती शुरू कर लूंगा। जीने का ये अंदाज है, सोच यदि सही हो, पॉजिटिव हो, एटीट्यूड पॉजिटिव हो, तो तुम विपत्ति में भी संपत्ति ढूंढोगे। उसके बाद जब वो लोग गए, एक अच्छी राशि डिक्लेयर करनी पड़ी, और वो मेरे पास आए, पति पत्नी और बच्चे सब आए। मैंने पूछा क्या हालचाल है, मैंने सुना है इतना डिक्लेरेशन करना पड़ा। बोला महाराज अच्छा हुआ, अब हमें नसीहत मिल गई, आगे और मैं साफ सुथरा काम करूंगा। गया सो गया महाराज, जो है डिक्लेरेशन देश के काम में आएगा, थोड़ी मेहनत करके और कमा लेंगे, चुका लेंगे। हालांकि जो मैंने डिक्लेयर किया है वो मेरे पास है नहीं, मुझे अपने गांठ से देना पड़ेगा। जितना था मेरा हिसाब किताब बिल्कुल क्लियर था, लेकिन मेरे सीएच ने और लोगों ने कहा कि इसको सल्टा लेने में ही सार है, तो दबाव में मैंने डिक्लेरेशन किया, पर मुझे उसका गम नहीं है। आगे के लिए मैंने सीख ली और वो रुपया देश के ही काम आएगा। ये सोच बिरलों की होती है, बिरलों की होती है। अब मैं आपसे पूछता हूं, लगना था सो तो लग ही गया, और रोना रोने से क्या फायदा हा? लगना था सो लग गया, रोना रोने से क्या फायदा? जब चला गया तो उसको अच्छा ले लो। एक आदमी गंगा के तीर पर सिक्का उछाल रहा था, खेलते खेलते वो सिक्का गंगा में चला गया। उसने कहा जा गंगा जी मैंने दान किया। अरे जब सिक्का चले गया तो दान ही का आनंद ले लो, जब नुकसान हो ही गया तो उसके अच्छाई ढूंढ करके अपने जीवन को आनंदित कर लो। आप ऐसा कर सकते कि नहीं बोलो? हाँ कर सकते हो, कब से करोगे, कब से करोगे बोलो? अब चुप, अभी से। चाहे जैसी विपत्ति हो पॉजिटिव सोचो, बीमारी हो पॉजिटिव सोचो। बीमारियां तो किसी को भी घेरती है, अगर व्यक्ति पॉजिटिव होगा
तो बड़ी जिंदा दिली से जिएगा। अभी मैं बावन गजा में था, बड़वानी में एक बहन जी है, वो गिर गई, उनके शरीर में कई फ्रैक्चर्स, चलने में असमर्थ, उठने बैठने में असमर्थ, लेकिन आज वो अपने जज्बे के बदौलत सब कुछ चल रही है। और उसमें उन्होंने बताया कि मेरे बेटे ने मुझसे कहा, वो बेंगलोर में था, एक बेटा बाहर था, कि आप चल कर आओगी, मैं आपके यहाँ नहीं जाऊँगा। एक्सीडेंट में गिरी, चोट लगा कमर से नीचे के हिस्से में, कई फ्रैक्चर और परेशानी, लेकिन आज वो अपने आप को कभी बीमार नहीं मानती। उस स्थिति में भी बावन गजा में आदिनाथ भगवान के चरणों में पैदल चढ़ करके चले जाते। सोच, शरीर लाचार है लेकिन मन तैयार है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। नाम मुझे नहीं याद है, काला परिवार से है। आप लोगों ने शंकर सभाधर में देखा होगा, एक दो बार मैंने उनको उल्लेख भी किया है। तो ये है एक सोच, दूसरा तो डिप्रेशन का शिकार हो जाए। इसके उलट, मैं भोपाल में था, एक भाई अपनी धर्मपत्नी को लेकर के आया, बोला महाराज जी इनको समझाइए। वो एकदम डिप्रेशन में, एकदम डिप्रेशन में, महाराज सुसाइड करने का मन होता। बोले क्यों? बोले शरीर में दर्द होता है, शरीर में दर्द है, सहा नहीं जाता। बोला महाराज जी जांच करा लिए, डायग्नोसिस में कुछ निकला नहीं। मैंने समझ लिया दर्द कहाँ। मैंने उनको समझाया, हमने कहा तुम अपने आप को इतनी सी तकलीफ में बीमार मानते हो, बीमार कहाँ हो तुम, बीमार कहाँ जो चल करके आ रही हो, खाना कौन बनाता? बोला महाराज मुझे ही बनाना पड़ता है, सारा काम मैं खुद करती हूँ, फिर भी दर्द होता है। बोले अरे इतना सब कुछ काम करते हो फिर भी तुम अपने आप को बीमार मानते हो, बीमार कहाँ, बीमार तो वह है जो बिस्तर पर पड़ा है, बीमार तो वह है जो ICU में भर्ती है, बीमार तो वह है जो पैरालाइज होकर के पड़ा हुआ है, बीमार तो वह है जिसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ हुआ है, जिसको अलग नलियाँ लगी हुई। तुम भली चंगी अपने आप को बीमार मानते हो, बीमारी हटाओ। हमारे संघ में कई आरिकाएँ ऐसी हैं जिनको हीमोग्लोबिन का परसेंटेज 4 और 5 है, उसके बाद भी वो विहार करती हैं, तपस्या करती है, केस लोच करती है, समाज को लाभान्वित करती है। उनको देखो और अपने आप को देखो। मैंने उन्हें 5 मिनट झकझोरा और कहा तन की बीमारी को हटाओ, मन की बीमारी, तन की बीमारी को मन पर हावी मत होने दो, तन मत देखो मन देखो, और ये सोचो बीमार है तो तन है, मैं तो स्वस्थ हूँ, मेरे मन को कोई बीमारी नहीं, आरोग्य हम स्वस्थ हो हम। मैंने उन्हें सूत्र का बार बार दोहराने के लिए उपदेश दिया जो भावना योग में मैं कराता हूँ। ये घटना 1995 की है, आप सब सुनेंगे ताज्जुब करेंगे कि उसके बाद थोड़ा सा दूसरा भी कहा तुम एक शांति विधान करो, कुछ टोटके बताने पड़ते हैं नहीं तो उसके बिना काम नहीं चलता, शांति विधान करो। और मैंने उनको शांति विधान करने के लिए बोला, उनने शांति विधान किया। मैंने कहा 16 दिन तक शांति विधान लगातार करो, 16 दिन का पखवाड़ा आने वाला था, शांति विधान करो और अपने आप को स्वस्थ महसूस करो। आप सुनकर ताज्जुब करोगे, वो बोलते महाराज आपने तो चमत्कार कर दिया, 20 वर्ष की बीमारी 20 मिनट में गोल हो गई। चमत्कार किया भैया, ऐसे ही मैं चमत्कारों पर भरोसा रखता नहीं, और तुम लोगों को भी कहता हूँ चमत्कार पर भरोसा मत रखना, लेकिन सोच का बहुत बड़ा चमत्कार है। अपनी सोच को बदलोगे ताकत आ जाएगी, सोच ही शक्ति है, तो वो हमारे अंदर जगनी चाहिए। वैसा हो गया, जीवन निहाल हो गया, हम अपने आप को मालामाल बना लेंगे। तो सोच पॉजिटिव हो, विपत्ति हो, बीमारी हो, वियोग हो, आना जाना तो लगा ही हुआ है, किसी की ताकत की कोई ना जा सके हा? अगर सोच पॉजिटिव होगी तो बड़े से बड़े वियोग को भी झोल लोगे, और सोच निगेटिव होगी थोड़े से वियोग में तुम डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। होगा सहने की ताकत। मेरे संपर्क में एक बहन जी है, देखिए पॉजिटिव सोच कैसी ताकत देती है। उनके पति का सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई,
32 वर्ष का पति, दोनों में 2 साल का अंतर था, 30 साल की वो। लेकिन पति के खोने के बाद भी वो विचलित नहीं हुई। उसके 2 बच्चे थे, एक बच्ची थी 6 साल की और बेटा था 4 साल का। जब ये घटना घटी, तत्वज्ञ थी, स्वाध्यायशील थी, सोच सकारात्मक था। उनसे जब लोगों ने कहा तो उनने जो बात कही और जिसके बदौलत अपने आप को संभाला, वो ध्यान देने लायक है। बोले, जाने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता, मेरे और मेरे पति का संयोग इतना ही था, वो चले गए। निश्चयतः अगर देखें तो व्यवहारिक दृष्टि से एक बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन फिर भी मैं इसे अपना पुण्य मानती हूँ कि आज हमारे सारे भाई बंधु हमारे साथ हैं, इस विपत्ति के घड़ी में साथ हैं। मुझे क्या करना है, 2 बच्चे हैं, ये भी अपना कुछ पुण्य लेकर के आए हैं और उन सबका साथ है, इनकी परवरिश हो जाएगी और अब मुझे शील संयम के साथ जीवन जीने का सौभाग्य मिलेगा, मैं उस रास्ते पर चलूँगा। शील संयम के साथ जीवन जीने का रास्ता मिलेगा, मैं वैराग्य का रास्ता अंगीकार करूंगी, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करके इनको अपने पांवों पर खड़ी करूंगी और उसके बाद मैं अपने संयम के राह को अंगीकार करूंगी। क्या हुआ, उसने अपने सोच से पाप को पुण्य में परिवर्तित कर डाला। ये घटना लगभग 10 साल पुरानी है और आज भी बखूबी वो चल रही है और उसकी सोच से उनके परिवार के जो उनके देवर और जेठ है बहुत अच्छे से प्रभावित है, बड़े सम्मान के साथ उसे घर में रखे हैं और उसका सारा कारोबार संभालते हुए बच्चों को भी खड़े कर रहे हैं, बच्चे बड़े भी होने वाले हैं और वो निश्चयतः लग जाएगी, लेकिन अंदर आज भी वही वैराग्य का भाव है। ये एक सोच है, दूसरा होता तो क्या करते, एक सोच तो ये जो सलाहकार ज़्यादा है, दूसरी शादी कर लो, तीसरी कहते कि चलो किसी तरह से ज़्यादा ज़्यादा प्रॉपर्टी खींच लो, ये बड़ी दिक्कतें। सोच बदलना है, विपत्ति हो, बीमारी हो, वियोग हो, विषमता हो, सोच अच्छी रखिए, आप हर पल प्रसन्न बने रहोगे और सोच की कुंजी आपके हाथ में है। तुम्हारी सोच तुम्हारे पास है, तुम ही उसे बना सकते हो, तुम ही उसे बिगाड़ सकते हो, दूसरा तो केवल निमित्त होगा। इसलिए हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखे। दूसरी बात, सोच को सकारात्मक बनाए रखने के लिए कर्म सिद्धांत पर भरोसा रखो, विधि के विधान में विश्वास। क्या बोल रहा हूं, विधि के विधान में विश्वास। लोगों का विधि विधान में तो फिर भी विश्वास है, विधि के विधान में विश्वास कम है। बात समझ रहे हैं, विधि विधान में विश्वास और विधि के विधान में विश्वास। विधि विधान में विश्वास रखने वाले कर्म कांडों में लग जाते हैं और आकुल व्याकुल होते हैं, मनाते मनाते रहते 70 मड़िया पूजने लगते हैं, वो दुखी होते हैं। लेकिन विधि के विधान में विश्वास रखने वाला अगर विधि विधान भी करेगा तो क्षमता के साथ करेगा, विवेक के साथ करेगा, ज्ञान के साथ करेगा और अपने जीवन में समाधान हासिल करेगा। विधि के विधान पर विश्वास। अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिले हैं, मुझे स्वीकार करना है, वो कभी दुखी नहीं होगा। हमारे यहाँ मैना सुंदरी का उदाहरण आता है, विधि के विधान पर विश्वास रखने वाले। लेकिन आज की एक मैना सुंदरी को मैंने देखा जो बहुत विरल उदाहरण है। एक युवक की सगाई हुई, सगाई के बाद विवाह में 8 महीने का देर विलंब था, लोगों ने देखा होगा अपनी जन्म पत्री वगैरह उस हिसाब से, और सुविधाएं, वो बाहर था, विदेश में रह रहा था, लड़की भारत में थी। इसी बीच उसकी किडनी में प्रॉब्लम हुई, क्रिएटिनिन बढ़ करके 6 हो गया, क्रिएटिनिन 6 हुआ, प्रोटीन लॉस हो रहा था, दिनों दिन कमजोरी आ रही थी, स्थिति गंभीर थी, कुछ भी हो सकता था। लड़के ने सबसे पहले लड़की को और लड़की के माता पिता को खबर किया, लड़के वालों ने भी खबर किया कि भाई सगाई हो गई है ठीक है, लेकिन मेरे बेटे के साथ ऐसी बीमारी है
इसलिए आपको हम भ्रम में नहीं रखना चाहते। अगर डॉक्टर ऐसे कह रहे हैं कि ठीक हो सकता है, लेकिन अगर ठीक नहीं हुआ तो दोनों किडनियाँ इनकी प्रभावित है, हो सकता है किडनी बदलना पड़े और कुछ भी स्थिति हो सकती है, हम आपको छिपा नहीं सकते। इसलिए आप स्वतंत्र हो, आपको जो निर्णय लेना है ले लें। लड़की वाले एकदम सख्ते में आ गए, सारे लोगों ने आपस में बातचीत की और तय किया कि हमें ये सगाई तोड़ देनी है, अब इसके साथ सगाई नहीं करनी। लड़के वालों की तरफ से तो ऑफर था ही कि भाई देख लीजिए, और उनने जो कर्तव्य किया बिल्कुल सही किया। लेकिन लड़की के कान में जब ये बात आई कि मेरी सगाई तोड़ने की बात की जा रही है, तो उनने अपने माँ बाप से कहा कि पापा, सगाई के बाद ऐसा होने पर आप सगाई तोड़ने की बात कर रहे हैं, अगर शादी के बाद होता, यही बीमारी 6 महीने बाद होती तो क्या करते आप? मेरी दूसरी शादी करते, मैं भारतीय नारी हूँ, मैं जैन सिद्धांत पर विश्वास रखने वाली हूँ, मेरा कर्म सिद्धांत पर भरोसा है, इस जीवन में मेरा पति अब केवल एक ही होगा, दूसरा नहीं होगा। कर्मोदय में ऐसा हुआ है तो ठीक है, ये तो उनने ईमानदारी से बता दिया, अगर बेईमानी कर लिए होते तो क्या होता, और कल मुझे हो जाए तो क्या करोगे? कर्म का खेल है, जो होगा उसे स्वीकार करना चाहिए। मैं इसे स्वीकार करती हूँ, आप परवाह न करें। बेटी कुछ हो गया तो बोले आदमी मर जाए तो जीवन मरण तो लगा है, स्वस्थ व्यक्ति भी जा सकता है। जब तक मेरे और मेरे पति का संयोग होगा कोई उसे टाल नहीं सकता, और जिस दिन पूरा हो जाएगा कोई उसे आगे बढ़ा नहीं सकता। आप इसका विकल्प मत कीजिए, आपने मुझे पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया है, यदि कुछ भी होगा तो मुझ में इतनी क्षमता और संस्कार है कि मैं अपने जीवन का निर्वाह तो कर ही लूँगी, और भविष्य में अगर बच्चे होंगे तो उनका भी लालन पालन करने में मैं समर्थ हूँ, मुझे मेरे कर्म पर विश्वास है। आप ऐसा मत कीजिए, और मैं इसके लिए उनके लिए रोज़ प्रार्थना करूँगी कि वो ठीक हो, चाहे ठीक हो या ना हो। और उसने एक बात कही, श्रीपाल का कोल यदि मिट सकता है तो मेरे पति का भी कष्ट मिट जाएगा, और मिटे या ना मिटे मैं उसे स्वीकार करती हूँ। क्या बात कही, आजकल ऐसे उदाहरण बहुत विरल मिलते हैं। और इसके बाद जब ये समाचार पहुंचा, लड़के वाले ने कहा ठीक है हम एक्सेप्ट करते हैं, पर हम बेटे के इलाज पूरा कराने के बाद ही विवाह करेंगे। उनने 1 साल तक इलाज कराया, 1 साल में सारी रिपोर्ट अनुकूल हो गई, उनका विवाह भी हो गया, 1 बच्चा भी हो गया, आज खुश है, बड़ी अच्छी जिंदगी है। किसका फल है ये बोलो? विधि के विधान में विश्वास है तुम्हारे अंदर, बोलो। ऐसी स्थिति आती तो क्या करते हो? बुद्धि चलाते हो, और बुद्धि प्रायः उल्टी ज्यादा चलती, सीधी कम। और ऐसे ही सलाहकार भी मिल जाते हैं। अंततः होता क्या है? कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, तो उसे हासिल करने के लिए, उसे हासिल करने के लिए विधि के विधान पर विश्वास, ओम, विधि के विधान पर विश्वास रखना जरूरी है, तब हम अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। तीसरी बात, प्राप्त को पर्याप्त मानना शुरू करें। क्या बोला? प्राप्त को, समझ गए, प्राप्त को पर्याप्त। एक बार एक युवक, युवा उद्यमी था, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मेरे पास बैठा, थोड़े समय में काफी व्यवसायिक प्रगति की थी। उसकी धर्मपत्नी ने मुझसे कहा, महाराज इनसे कहिए कि 24 घंटे व्यापार में लगे रहते हैं, थोड़ा इनसे कहिए कि इनका परिवार है, समाज है, धर्म भी है। तो उसने बोला, महाराज जी मैं तो कुछ नहीं, इन्हीं लोगों के लिए कर रहा हूँ। महाराज मैं इन्हीं लोगों के लिए तो करता हूँ। पत्नी ने कहा, महाराज इनसे कहिए हमें इनका धन नहीं चाहिए, हमें तो हमारा पति चाहिए।
हमें इनका धन नहीं चाहिए, हमें हमारा पति चाहिए महाराज। धन के चक्कर में आज हमारा पति खो रहा है। बहुत धंधी आदमी था, जो काम हाथ में लग जाए वो कर ले, और फिर बीड़ी पत्तों का भी व्यवसाय था, और इन दिनों बीड़ी पत्ते वाले तो जंगलों में पड़े रहते हैं। बोले महाराज महीनों जंगलों में पड़े रहते हैं, नेक्सलाइट एरिया में रहते हैं, बड़ा डर लगता है, इनको बोलिए इसकी ज़रूरत क्या। उसने कहा महाराज पर्याप्त हो जाए। हम बोले भैया पर्याप्त कब होगा, पर्याप्त कब होगा, पर्याप्त की कोई सीमा? कोई सीमा नहीं। फिर मैंने उससे एक सवाल किया, तुम कहते हो कि मैं अपने पत्नी और बच्चों के लिए कर रहा हूँ। हाँ महाराज उसी के लिए कर रहा हूँ। तुम्हारे पिताजी ने भी तुम्हारे लिए कुछ दिया था? हाँ महाराज दिया था, बहुत कुछ दिया था। तो तुम्हारे पति पिताजी ने तुम्हें जो दिया उसे तुमने बढ़ाया या मिटाया? बोला महाराज उससे तो हजार गुना हो गया। मेरे पिताजी ने मुझे जो दिया वो हजार गुना हो गया। मैंने कहा ये बता, जब तेरे पिता ने तुझे दिया वो तेरे काम नहीं आया, तू अपने हुनर से उसे हजार गुना कर लिया, तू अपने बेटे के लिए छोड़ेगा वो उसके काम कहाँ आएगा, हुनर होगा तो वो भी हजार गुना कर लेगा, और नहीं होगा तो सब मिटा देगा। काम तो जो है वही आएगा, पर्याप्त क्या है इसे समझो। पर्याप्त की कोई सीमा नहीं, प्राप्त को पर्याप्त समझो तो ठीक, नहीं तो फिर सब गड़बड़, फिर संकट, फिर दुख, फिर परेशानी, उसे दूर करो, उसका निवारण करने का उपक्रम करो। तो प्राप्त को पर्याप्त समझने की कला अपने भीतर विकसित कीजिए। जितना है सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, यदि वो संतुष्टि अंतर मन में होती है तो वो हमारे जीवन को एक नई दिशा देती है, उससे जीवन में एक बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। वो कोशिश करनी चाहिए। लोग अंतहीन लालसा के शिकार बनकर दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। इस दौड़ का अंत केवल आपाधापी, भागम भाग, इसके अलावा विचार करना है। और चौथी बात, जीवन में हर पल सुखी रहना चाहते हैं तो कुछ बातों को इग्नोर करना सीखो, नज़रअंदाज करना सीखो। क्या? नज़रअंदाज करना सीखो। किसको? दुह प्रसंगों को। किसको नज़रअंदाज करना है? दुह प्रसंगों को, जिससे तुम्हें अशांति हो, जिससे तुम्हें दुख हो, जिससे तुम्हें पीड़ा हो, जो तुम्हें असहज करे, उनको नज़रअंदाज करो, पकड़ो मत, इग्नोर करना सीखो। आप लोग छोटी छोटी बातों को पकड़ करके उलझ जाते हो, होता है? उसके कारण क्या होता है, क्या होता है? महाभारत होता है, होता है कि नहीं होता है? अगर उसे नज़रअंदाज करना सीख लो, सुनकर के अनसुना करने की कला अपना लो, तो क्या कभी दुखी हो गए? बोलो, नहीं ना? तो तुम दुखी अपनी वजह से होते हो कि औरों की वजह से? हाँ, अपने वजह से ना, तुम्हें पता है सब, तुम अपनी वजह से दुखी होते हो, कोई गैर तुम्हें दुखी नहीं करता। बस अगर समझ सही हो जाए तो मैं जीवन में कभी दुखी हो ही नहीं सकता। जो बातें मेरे अनुकूल ना हो उसको मैं नज़रअंदाज करूं, इग्नोर करूं, बाईपास करूं। आपको कोई कुछ बोल देता है, एक लफ्ज बोल दिया, फिर क्या होता है महाराज? बत्ती बुझ जाती, होता है पल में। सब कुछ ठीक ठाक, एक शब्द ने मुझे इतना उद्वेलित कर दिया। कितना कच्चा हूं मैं, कितना कच्चा हूं मैं। अगर उसी शब्द को हम इग्नोर करने सीख ले तो कुछ होगा? जिससे हम उद्वेलित हो रहे हैं, उद्वेलित नहीं होंगे, हम आनंदित बने रहेंगे। थोड़ा सा बोल दे, बात लग जाती, लगती है एकदम छाती में अंकित हो जाती है।
अंतर मन को एकदम हिला डालती है। संत कहते नहीं, इग्नोर करो, नजरअंदाज करो, उसके लिए अपने आप को मन से तैयार करो। सुन के अनसुना करने के लिए हमें अपनी सहनशीलता की शक्ति बढ़ानी होगी, क्षमा करने की सामर्थ्य अपने भीतर विकसित करनी होगी। भावना योग के माध्यम से मैं आपको वही ताकत देने की कोशिश करता हूं जो आपको आपके जीवन के हर प्रसंगों में सहज बने रहने की सामर्थ्य दे सके। हो जाने दो, लेट अस गो, लिव इट, इग्नोर करो और सामने वाले को क्षमा करने की शक्ति अपने भीतर विकसित करो। ठीक है, फिर मन कभी विचलित होगा क्या? अगर आप नियमित अभ्यास करेंगे और ये बात अपने मनोमस्तिष्क में अंकित कर लेंगे कि जो बातें मेरी जीवन की सहजता को नष्ट करती है मुझे उसे महत्व नहीं देना है, उसे नज़रअंदाज करना है, तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। आपने अपने जीवन में महसूस किया होगा, कई बार ऐसा होता है कि कई जगह आपको कोई गलत बात बोल दी जाती है, लेकिन वहाँ की स्थिति ऐसी नहीं होती कि आप कुछ बोले, क्योंकि आप उन पर डिपेंड हो। तो आप क्या करते हैं? गलत प्रतिक्रिया करते हैं क्या? दुखी होते हैं क्या? नहीं। क्यों? हमने उसे स्वीकार लिया और उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया, उसको हमने अन्यथा नहीं लिया। ठीक है, बोल दिया बोल दिया। देखो, एक उदाहरण देता हूँ। माँ ने बेटे से कहा, बेटा पढ़ लिख, नहीं तो तू गधा ही रह जाएगा। माँ ने बोला, बेटा ढंग से पढ़, नहीं तो तू गधा ही रह जाएगा। या बेटे ने पढ़ाई की, ठीक पेपर नहीं रखा, माँ ने उसके कॉपी को देखा, बेटा कैसा गधा है तू? बेटे ने सुना, कैसा गधा है तू? ये माँ ने कहा, बेटे ने सुना, कोई प्रतिक्रिया? हर की माँ ने कहा होगा, आपको भी कहा होगा, हमको भी कहा, कई बार माँ ने गधा कहा है, लेकिन कोई बुरा नहीं लगा। लेकिन यही बात अपना भाई कह दे या मित्र कह दे, कैसा गधा है, क्या होगा, क्या होगा? शब्द एक, वाक्य एक, लेकिन एक को हमने नजरअंदाज किया और एक को पकड़ बैठे। क्यों? क्यों? माँ बोल सकती है, माँ के प्रति हमारा दृष्टिकोण है। नहीं, माँ जो बोलती है ममता में बोलती है, और उसने मुझे बोला है वो मेरी इंसल्ट करने के लिए बोला है ना? यही सोच हमारे चिंतन को बांट डालती है और उसी के कारण हमारा चित्त चीजों से प्रभावित हो जाता है। नजरअंदाज करने की कला आएगी हमारे अंदर अगर हम चीजों को सकारात्मकता से देखेंगे। चलो भाई, इसमें भी मेरी भलाई है और बुराई तो है, कुछ किया थोड़ी, छोड़ दो। इन बातों को पकड़ करके मैं अपनी सहजता को खंडित क्यों करूं? और जब आप अपने ध्येय को सामने रखोगे ना, तो कभी अपनी सहजता खंडित नहीं करोगे। देखना है तो कॉल सेंटर में काम करने वालों को देखो, गालियां सुनते फिर भी सहज बने रहते हैं, होते है कि नहीं होते? कितनी गालियां देते हैं लोग उनको, फिर भी सहज बने रहते। क्यों? अभी मैं सहजता खोऊंगा तो नौकरी जाएगी, सहजता खोऊंगा नौकरी जाएगी, मेरा हित खंडित होगा। बस इसी तरह तुम सोच लो कि कोई कुछ बोले, सहजता खोऊंगा शांति जाएगी, शांति जाएगी मेरा हित होगा, इसलिए मुझे शांति को मेंटेन करना है। तो थोड़ी बातें झेलना सीख लो, इतना ही तो करना है। फिर कभी दुखी होगे? कभी नहीं हो सकते। तो बस ये चारों बातें आपको याद रखना है, सकारात्मक सोचना है, विधि के विधान पर ध्यान रखना है, प्राप्त को पर्याप्त मानना है और चीज़ों को, दुख प्रसंगों को नज़रअंदाज करने की कला अपने भीतर विकसित करनी है। यदि ये करेंगे तो परिणाम आएगा। बंधुओं, मैं ये महसूस करता हूँ कि प्रवचनों से लोगों में परिवर्तन तो आता है, लेकिन स्थायी परिवर्तन नहीं आता, एक आकर्षण होता है। जितनी देर आप प्रवचन में रहते हैं,
एक मोटिवेशन मिलता है, कुछ परिवर्तन आ जाता है। लेकिन उस परिवर्तन में स्थायित्व लाने के लिए हमें कुछ प्रयोग करना चाहिए। भावना योग को जो हमने प्रवर्तित किया है वो इसी प्रयोजन से किया जो हमारे तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा प्रदत्त साधना का ही एक रूप है, जिसे मैंने आधुनिक रूप में प्रस्तुत किया है। इनर नरिशमेंट, इनर क्लीनिंग, इनर रेजोल्यूशन और इनर रिफ्लेक्शन, जो हमारे प्रतीक प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक का रूप है। जैन मुनियों की साधना के लिए जो 6 आवश्यक हैं उनको मैंने 4 में अंतर्भूत किया है। मैंने प्रार्थना में स्तुति और वंदना को तथा सामायिक में सामायिक और कायस्वर को अंतर्भूत करके उसे नए तरीके से आप सबके बीच रखने की कोशिश की है। और ये जीवन के रूपांतरण का विज्ञान है। आप इसको अगर नियमित अभ्यास में लेंगे तो अपने भीतर आमूलचूल परिवर्तन घटित कर पाएंगे। पिछले पर्युषण पर्व से मैंने इसकी शुरुआत की थी और ये मौलिक प्रक्रिया विशुद्धतया जैन साधना जो संप्रदायातीत साधना है, जिसे हर वर्ग, हर संप्रदाय के व्यक्ति आत्मसात करके अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं। अनेक चिकित्सक इस पर अपना शोध भी कर रहे हैं। तो ये जो शिविर इस बार का है, मैं चाहूँगा इस शिविर में प्रमुखता से वे लोग आए जो इसे सीखना चाहते हैं, औरों को कराना चाहते हैं। बहुत सारे नाम आ रहे हैं, मेरे पास सूचना मिली है, मैं किसी को निराश तो नहीं करना चाहता, उनकी भी व्यवस्थाएं बनेगी, लेकिन मैं प्राथमिकता उनको देना चाहता हूं जो इसका पूरा लाभ लेकर इस विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने में सहकारी बनेंगे, तो वे इसे प्रमुखता से इसे देखें। आम जनों के लिए भी जैसी प्रविष्टियां कल तक आप अपनी सूचनाएं दे दें, ताकि उसकी समीक्षा करके कार्यक्रम का वास्तविक स्वरूप आप सबके बीच रखा जाए और ये आपके जीवन में एक व्यापक बदलाव लेगा। मैं उन लोगों से विशेष रूप से कहूँगा जो दायित्वों से मुक्त हो गए हैं और सामाजिक दायित्व का निर्वाह करना चाहते हैं, धर्म की प्रभावना में आगे आना चाहते हैं, वे इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। और फिर साथ में जिन्हें अपने जीवन में बदलाव घटित करना है उनका भी स्वागत है। मंगल भावना के साथ मैं विराम लूँगा, आप सभी दोहराएंगे। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्र प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्र प्रेम का भाव रहे नित मन मंगल मैं हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल मैं हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल मैं हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल मैं हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल मैं हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश औ मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जावे आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी
वाणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल हो जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल हो जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल हो जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना, सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय जय।